तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DSL मैक में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे टेक्निकल ऑफिसर सी का, जो अभी शेड्यूल जारी किया था BIRC ने कि आपका इंटरव्यू कब है। तो वो उनका अभी एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिव कर दिया गया है। तो आप यहां से BIRC ऑनलाइन एग्ज़ाम पर जाकर आप अपना एडमिट कार्ड या कॉल लेटर इंटरव्यू का डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको BIRC ऑनलाइन एग्ज़ाम.com पे आ जाना है। उसके बाद आप इसको नीचे स्लाइड करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा इंटरव्यू कॉल लेटर। ठीक है, यहाँ पर इंटरव्यू कॉल लेटर यानी कि आपका एडमिट कार्ड होता है। तो ये कैटेगरी वन वालों का भी कल कर दिया गया था और आज टेक्निकल ऑफिसर सी का कर दिया गया है। तो आप वहाँ से जाके आप अपना डाउनलोड कर सकते हो। तो देख लेते हैं, यहाँ पर जाएंगे तो आपको क्या विंडो ओपन होगा। तो देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है आपका इंटरव्यू कॉल लेटर और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, साथ ही साथ आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ आपको कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करोगे तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, एडमिट कार्ड या कॉल लेटर। ठीक है, उसके बाद आपको उसमें इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है। तो आप जैसे ही लॉगिन करोगे आपको साथ ही साथ आपको एडमिट कार्ड भी देखने को मिल जाएगा, इंटरव्यू कॉल लेटर। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको भी सेम फ़ोटो पेस्ट करना है ना, 3.5 4.5 साइज़ की है ना, और सिग्नेचर आपको इन्विजिलेटर के सामने करना है। और आप देख लीजिए इसमें आपको एड्रेस क्या दिया है, कहाँ कौन सा वेन्यू दिया है, वेन्यू फॉर इंटरव्यू विंग फर्स्ट फ्लोर न्यू ट्रेनिंग स्कूल कॉम्प्लेक्स अनुशक्ति नगर मुंबई है ना, 400094। ठीक है, तो ये देख सकते हो वहाँ का पिन कोड भी दिया गया है और इनका इंटरव्यू है कितनी तारीख को है, 5 मार्च 2024 को है, 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। ठीक है, और ये आपका कैंडिडेट का कॉपी रिसिप्ट है, जब आप इंटरव्यू दे दोगे तो उसके बाद आपको इन्विजिलेटर के साइन करके आपको वापस दिया जाएगा। और आपको अब देख लेते क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो सेम वही इंस्ट्रक्शन है, बस आपका थोड़ा सा देखिए डॉक्यूमेंट का भी वही है ना, जो जो आपने एक मैं कल वीडियो बनाया था उसके अकॉर्डिंग ही है ना। इंटरव्यू के लिए जो कॉल लेटर है, प्रिंट आउट है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स चाहिए आपको और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए उसकी। ठीक है, तो आप 2 से 3 सेट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी रख लीजिएगा, जीरोक्स कॉपी, साथ ही साथ आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी रख सकते हो है ना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सारे होना चाहिए आपको, जो आपने लगाए एक्सपीरियंस है तो वो भी लगाइए आप उसमें। ठीक है, तो जैसे SC ST OBC और EWS वाले जो कैंडिडेट है उनको अपना सर्टिफिकेट जो भी VRC का फॉर्मेट दिया है फॉर्मा उसी पे बनाना पड़ेगा आप लोगों को। उसके बाद आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो वो आप एप्लीकेबल हो तो आप बनवा लीजिएगा BRC के फॉर्मेट पे। ठीक है, BRC ने जो परफॉर्मा दिया है आपको, परफॉर्मा डाउनलोड करने के लिए नोटिफिकेशन जो इसका आया था उसमें आपको दिख जाएगा, तो वहाँ से आप जाके इसको प्रिंट लेके आप इसको फिल करवा के ले जाइएगा। ठीक है, बाकी की आप जानकारी इसका मैं डायरेक्ट लिंक दे दूँगा, तो आप लॉगिन करके वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो एडमिट कार्ड को है ना। डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के, और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो ये सभी की जानकारी आपको मिल जाएगी, इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा अच्छे से एडमिट कार्ड में। और ये आपको कहाँ से कैसे क्या जाना है तो ये सब चीज़ इसमें दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा आपको पता लग जाएगा। इसको फुल रीड करोगे तो यहाँ से अपना प्रिंट आउट भी ले सकते हो, तो इसको प्रिंट करा के ज़रूर ले जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आपके जो भी डाउट है कमेंट करिए, मैं आंसर देने का ट्राई करूँगा। तो चलिए, धन्यवाद।